हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज मैं कर रहा हूँ वंदे भारत की जर्नी, यहाँ से अजमेर से लेके उदयपुर तक की। तो इस वीडियो में मैं आपको जो है सारा मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। आज मैं आपको सफ़र कराने वाला हूँ अपनी इंडिया की 18th वंदे भारत ट्रेन में, जो चलती है जयपुर से उदयपुर की तरफ। और ये जो है सितंबर 2023 में यहाँ से चालू हुई थी, इसको ग्रीन फ्लैग दिखाया गया था पहली बार सितंबर 2023 में। तो इसका सफ़र जो है मैं अजमेर से उदयपुर तक का कर रहा हूँ। और इसका टिकट प्राइस और जो भी ट्रेन का मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में, इस व्लॉग में। तो बने रहिए इस वीडियो में। 6 डब्बे में अपन बैठने वाले हैं भारत ट्रेन, और मैं इसकी जो है जर्नी आपके साथ एक्सपीरियंस करने वाला हूँ, और आप भी मेरे साथ जो है इसकी जर्नी एक्सपीरियंस कीजिए। ये रही ट्रेन, काफ़ी ह्यूज है ऐसे नॉर्मल तो कैमरा वगैरह में तो नहीं लगती है, पर काफ़ी ह्यूज ट्रेन है। ट्रेन में बैठने के थोड़ी देर बाद मिलता है आपको नाश्ते का पैकेट। नाश्ते के पैकेट में मिलता है आपको ब्रिटानिया का केक, कचौड़ी, मैंगो जूस और एक छोटा सा बैल का पैकेट। तो ये है कचौड़ी, कचौड़ी एवरेज थी, ज़्यादा कुछ खास थी नहीं। उसके बाद मैंने ट्राई करी थी चाय, तो चाय के लिए आपको जो है मिलता है एक गर्म पानी का कप, उसमें आपको एक पैकेट मिलता है, उसको डालना पड़ता है और उसको मिक्स करने के बाद वो चाय बन जाती है, तो वो आप पी सकते हो। चाय एवरेज थी, अच्छी नहीं थी ज़्यादा और ना ही ज़्यादा कचौरी अच्छी थी। तो ये है बाथरूम, नीट एंड क्लीन है, और एक दो जो बाथरूम मैंने देखा था वो उसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि तो जिनको नहीं पता रहता है कैसे क्या यूज़ करना रहता है तो वो उस मामले को छोड़ देते हैं, जो भी वेस्टेज है उस वजह से जो है वो वाला थोड़ा गंदा, एक दो गंदे हैं मैंने देखे थे, तो वो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। वो उनकी रेलवे की गलती नहीं है, वो जो गलती है वो है जो यूज़ कर रहे हैं, उनको पता नहीं है कैसे फ्लश करना है, क्योंकि इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक फ्लश है उस वजह से जो है किसी को पता नहीं होता है, तो वो कर नहीं पाते, तो थोड़ा मेरे को दर्शन हो गए थे। तो ये सोप डिस्पेंसर लगा हुआ है, और ड्राई करने के लिए आपका हेयर ड्रायर लगा हुआ है, ऑटोमेटिक है, ये चलेगा जब तक आवाज़ नहीं आएगी। तो ये कुछ मामला है, ये कुछ बाथरूम का मामला है, काफ़ी नीट एंड क्लीन है और बढ़िया। जो फायर एक्सटिंग्विशर आप पीछे देख रहे हो ये ऑटोमेटिक है, इसमें एक पाइप सी लगी हुई है लिक्विड सा, उसमें जो है एक निर्धारित टेम्परेचर तक वो सेट रहता है, और उससे अगर ज़्यादा टेम्परेचर हुआ यहाँ का उस माहौल का तो वो ऑटोमेटिक जो है खुल जाता है। तो अभी हम चित्तौड़गढ़ जंक्शन पे, और चित्तौड़गढ़ जंक्शन को जो है हम छोड़ने वाले हैं थोड़ी सी देर में, ट्रेन जो है रवाना होने वाली है। इसके बाद हमें फूड सर्व किया जाएगा, तो उसका भी मैं रिव्यू आपको देता हूँ, फूड कैसा है और कैसा नहीं। चाय तो एकदम बकवास की, चाय को मैं 0 दूंगा 10 में से, 0 एकदम है ना, 0 मिल। तो इधर से हम आए थे और इधर हम जा रहे हैं वापस चित्तौड़गढ़ की तरफ, चित्तौड़गढ़ से चित्तौड़गढ़ आए थे और चित्तौड़गढ़ की तरफ वापस जा रहे हैं मालवी की तरफ। मालवी होके उदयपुर हम जाएंगे, तो जब खाना आता है तब मैं आपको बताता हूँ खाना कैसा है और क्या उसका रिव्यू। चित्तौड़गढ़ जंक्शन आते आते हमें भी खाना सर्व हो गया, तो खाने में जो है एक पैकेट दही का मिलता है आपको, एक बड़ा पैकेट मिलता है उसमें आपका रहता है शाही पनीर, और ये जो है अजमेर से आपको ट्रेन में रखते हैं ये लोग, फिर जो है ओवन में गर्म करके आपको ये लोग सर्व करते हैं। बड़े पैकेट में मिलता है आपको थोड़े से चावल, पनीर की सब्जी और मिक्स वेज, उसके साथ
आपको मिलता है इसमें, दाल का पैकेट एक और मिलता है आपको इसमें, और रोटी जो है ये लोग अलग से फॉइल पेपर वाली देते हैं। उसके अलावा आपको चम्मच वगैरह भी मिलते हैं, और अलग से नमक का पैकेट मिलता है, वेट टिश्यू मिलता है, और एक हैंड सैनिटाइज़र मिलता है। खाना जो था वो डिसेंट था, आप खा सकते हो आराम से। और उसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना, आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं मिलने वाला, जो मिलता है उसी में आपको काम चलाना है। दूसरी बात, इस ट्रेन की प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। दो ऑप्शन रहते हैं आपके पास, विद फूड और विदाउट फूड। दोनों में जो है 300 रुपये का डिफरेंस मिलता है आपको। आखिर में मीठे की जगह आपको मिलती है आइसक्रीम। तो यहाँ मेरा वंदे भारत का एक्सपीरियंस जो है ख़त्म होने वाला है। उदयपुर आ गया था मैं, उतर गया हूँ यहाँ से, और ये है वंदे भारत ट्रेन। ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।